हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2019 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आपने बताना है अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए तो सम कितनी बारी प्रिंट होगा। ओके, लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। फर्स्ट लाइन ऑफ दिस प्रोग्राम इज ट्राइंग टू डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल है सम, फिर जे, फिर आई। तो 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। उन्हें जो इनिशियल वैल्यूज दी गई हैं वो हैं 0.0, सम इज 0.0, जे इज 1.0 एंड आई इज 2.0। ओके, ये तीनों वेरिएबल्स फ्लोट टाइप के हैं। अब नेक्स्ट लाइन में हम एक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कंडीशन है आई डिवाइडेड बाय जे मस्ट बी ग्रेटर देन 0.0625। सो आई डिवाइडेड बाय जे यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1 होगा 2। 2 is obviously greater than this value, यानी कि आप body of loop को execute करोगे, you will enter this loop. J is updated to J plus J, यानी कि 1 plus 1, तो J की नई value होगी 2.0. Okay. Sum is updated to sum plus I divided by J, यानी कि 0, sum की current value है 0, 0 plus I divided by J होगा 1, 2 by 2 is 1, so 0 plus 1 means 1, like this. Okay. Next line में हम sum को print कर रहे हैं, print f percent f sum, यानी कि 1.0 print हो जाएगा और हम line change कर देंगे because this slash n represents new line. तो print करने के बाद line change होगी। अब देखो next iteration में let's check if this condition is still true. तो I divided by j ये है 1, ओके, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, 1 इज ग्रेटर देन 0.0 समथिंग, ओके, यानी कि फिर से हम इस लूप में एंटर करेंगे तो जे की वैल्यू इस बारी बन जाएगी 4, 2 प्लस 2 इज 4, फिर सम की वैल्यू अपडेट होगी सम प्लस आई डिवाइडेड बाय जे, तो सम की करंट वैल्यू है 1, यानी कि 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 0.5, तो 1 प्लस 0.5 होगा 1.5। और नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट एफ सम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यानी कि 1.5 प्रिंट होगा। ओके, एक्चुअली आपको ये सम की वैल्यूज पे ध्यान देने की ही जरूरत नहीं, यानी कि आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि क्या प्रिंट हो रहा है, बिकॉज क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितनी बारी सम प्रिंट होगा, तो चाहे आप यहां पर बस एक टिक लगा दो कि कुछ ना कुछ प्रिंट हुआ है, फिर भी आपको आंसर मिलेगा एंड यू विल बी अलॉटेड 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट लाइन है ये कंडीशन चेक करनी। अभी हमने प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में कंडीशन चेक होगी आई डिवाइडेड बाय जी 2 डिवाइडेड बाय 4, ओके, दैट इज 0.5, यानी कि ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो दोबारा से हम लूप में एंटर करेंगे। पहली लाइन से 4 प्लस 4 नई वैल्यू होगी जे की, यानी कि 8.0। सम की वैल्यू अपडेट करनी है 1.5 प्लस 1 बाय 4, 1.5 प्लस 0.25, यानी कि सम की नई वैल्यू होगी 1.75, फिर ये 1.75 प्रिंट हो जाएगा। ओके, लास्ट लाइन ने सम को प्रिंट कर दिया। अब अगली आइटरेशन में देखो क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है। I डिवाइडेड बाय J 2 बाय 8, दैट इज 0.25, तो 0.25 0.06 से तो बड़ा ही है। ओके, यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा से जे की वैल्यू अपडेट करो, 8 प्लस 8 इज 16। अब सम की वैल्यू भी अपडेट करो, सम की वैल्यू होगी 1.75 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि 1/8, ये होगा 0.125, तो इसमें 0.125 ऐड करना है। इसमें अगर 0.125 ऐड किया जाए तो आपको जो नई वैल्यू मिलेगी वो होगी 1.875, ओके, 1.875। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, 1.875 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन बिकॉज ये लास्ट लाइन है प्रिंट सम। इसके बाद अगली आइटरेशन में दोबारा से कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन है आई डिवाइडेड बाय जे, ये है 0.125, तो 0.1 0.0 से तो अभी भी बड़ा ही है। ओके, यानी कि दोबारा से यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जे इज इक्वल टू जे प्लस जे, 16 प्लस 16 इज 32,
तो जे की नई वैल्यू है 32.0, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई डिवाइडेड बाय जे, 2 डिवाइडेड बाय 32 इज 1/16, यानी कि 0.0625। ओके, तो सम की करंट वैल्यू है 1.875, आई अपॉन जे की करंट वैल्यू है 0.0625, इन दोनों को ऐड करो, वो है सम की नई वैल्यू। सो सम की नई वैल्यू होगी 1.9375। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में ये सम प्रिंट हो जाएगा जो कि है 1.9375। अब देखो अगली आइट्रेशन में ये कंडीशन चेक करो, तो i अपॉन j 1/16 होगा जो कि है 0.625। अब 0.625 ग्रेटर देन 0.625 नहीं है, ओके, यानी कि ये कंडीशन है फॉल्स। तो आप इस लूप से बाहर आ जाओगे और ये बची हुई लाइन एग्जीक्यूट करोगे, दैट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न जीरो, यानी कि प्रोग्राम हैज सक्सेसफुली एंडेड। तो ये प्रोग्राम खत्म हो गया। क्वेश्चन था कि सम कितनी बारी प्रिंट हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, सम 5 बारी प्रिंट हुआ। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट, आप में से बहुत से लोगों ने तो वो गैस भी कर लिया होगा। तो शॉर्टकट इज बेस्ड ऑन दिस पैटर्न कि हर बारी जे को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखो स्टार्टिंग में जे की जो वैल्यू थी वो थी 1.0 और आई की स्टार्टिंग में वैल्यू थी 2.0। आई तो फिक्स्ड है, देखो यहां पे किसी भी लाइन में हमने आई की वैल्यू चेंज नहीं की, तो एंड तक आई ऐसे ही रहेगा। जे हर बारी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जे इज इक्वल टू जे प्लस जे, मीन्स हम जे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर आइट्रेशन में। तो देखो ये आई अपॉन जे की वैल्यू क्या होगी, आई डिवाइडेड बाय जे, ये कुछ इस फॉर्म में होगा 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर एक्स, क्योंकि जे की जो वैल्यू है वो हर बारी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ये पावर्स ऑफ 2 होंगी। स्टार्टिंग में जे है 1.0 मींस 2 पावर 0, फिर नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगी 2, फिर नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 8, नेक्स्ट आइट्रेशन में 16 32 64, सो ऑन। ओके, यानी कि ये पावर्स ऑफ 2 है। तो आई अपॉन जे को मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइडेड बाय पावर्स ऑफ 2, तो पावर्स ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर एक्स फॉर्म में। अब देखो फर्स्ट आइट्रेशन में ये वैल्यू है 1, यानी कि एक्स की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन के लिए है 0, सेकेंड आइट्रेशन में एक्स होगा 1, फिर 2 3 4 5 6 7, सो ऑन। अभी तक हमें ये नहीं पता कि एक्स कहां तक जा रहा है, वही हम ढूंढना चाहते हैं। सो लेट सी, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो आई अपॉन जे होगा इससे बड़ा, ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, यानी कि इस वैल्यू के लिए हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। देखो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 है, ओके, तो एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आई अपॉन जे है 2, तो 2 0.0 से बड़ा है। ओके, फॉर आई इज इक्वल टू, सॉरी फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए देखो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, यानी कि वो भी इससे बड़ा है, तो हम लूप में एंटर करेंगे, 2 के लिए भी एंटर करेंगे, 3 के लिए भी एंटर करेंगे, 4 के लिए देखो 2/16, हाँ इसके लिए भी हम एंटर करेंगे क्योंकि ये वैल्यू भी 0.0625 से बड़ी है। ओके, 5 के लिए देखो 2 डिवाइडेड बाय 32, जी हाँ हम एंटर नहीं करेंगे, तो यहां पे लूप एंड हो जाएगी। ओके, तो हम लूप में कितनी बारी एंटर कर रहे हैं, दैट इज 4, 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम क्योंकि लूप में 5 बारी एंटर कर रहे हैं तो ये प्रिंट स्टेटमेंट 5 बारी एग्जीक्यूट होगी ही होगी, तो 5 बारी कुछ ना कुछ प्रिंट होगा। उन्होंने पूछा था ये सम कितनी बारी प्रिंट हो रहा है, तो सम 5 बारी प्रिंट होगा। ओके, वैल्यूज की हमें जरूरत नहीं, तो ये सब आप ना भी करो, आपको आंसर मिलेगा। ओके।